आदमी अच्छा कैसे बनेगा? तो मैंने कहा हमने मेहनत की। सुन लो, बहुत से लोग सोचते हैं बाबा बहुत बड़ा बन गया, बाबा बड़ा कैसे बना वो बता देता हूँ, कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट बोलते हैं, सीक्रेट को नहीं बोलते, हाँ कभी उल्टा समझ लो, ये अंग्रेजी का शब्द है, सीक्रेट मनी रहस्य। सक्सेस बोलते हैं कामयाबी, कामयाबी का बोल बाबा आपने करोड़ों लोग जाना, सारी दुनिया पहचाना, तो इसका एक रहस्य क्या है? एक तो कभी आराम नहीं किया। क्या नहीं किया? मैं तो बोलता रहा हूँ, पहले भी कुछ लोगों ने बोला, लेकिन आराम भी करते रहे, नारा भी देते, लेकिन हमने कहा आराम हराम है, आराम हराम, कभी आराम नहीं किया। 365 दिन काम किया। आज करीब पूरे देश और दुनिया में 20 लाख किलोमीटर तो मैं घूम चुका हूं, 20 लाख किलोमीटर, और 20 करोड़ लोगों के ऐसे ही कार्यक्रम किए हैं जैसे यहां खेत में कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को योग सिखाया, उनको सुबह उठाना सिखाया। पहले सारे जितने कार्यक्रम होते थे, अभी भी होते हैं, कथा प्रवचन नाच गाने सब 9 बजे से शुरू होकर के रात को 9 10 11 12 बजे तक चलते थे। सुबह 4 बजे हिंदुस्तान में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था। हमने पहली बार 5-5 लाख लोगों को सुबह उठाया, और गांव से लेकर के शहरों से लेकर के मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में छोटा पड़ गया ग्राउंड, तो 2.5 लाख लोगों को सुबह शाम बुलवाया। लोग कहते थे मुंबई में तो सुबह नहीं उठ सकते, हमने कहा उठेंगे, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली से लेकर के पूरे देश में। क्या किया हमने? छोटी छोटी बात बताई। भाई देखो, अब थोड़ा सा योग की बात बता देता हूं। योग किया, मेहनत की, और भगवान ने, कुदरत ने जो शक्तियां दी, उन शक्तियों को जगाया और आगे बढ़ते गए। आपको थोड़ा सा योग बता देता हूं, रोज कर लेना। अब पहले धूप और अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। सुनो, योग करो और फिर देखो अपने आप जीवन में ना, भगवान ने जो शक्तियां दी है ना, उनका हम 1% इस्तेमाल कर पाते हैं ज्यादातर, बाकी तो शक्ति तो है। ये जीवन खेत की तरह है, कोई खेत में बीज बो दे तो उसमें सरसों के दाने हो जाऊं, ना बोए तो उसमें झाड़ झंकाड़ूंगा। तो शरीर तो खेत की तरह है, इसमें योग के बीज बो, फिर देखो सब योगी बन जाएंगे, ऋषि बन जाएंगे, इतना जबरदस्त विद्या है। तो थोड़ी थोड़ी विद्या बताता हूं। देखो, एक तो ये किया करो, पांच मिनट तो ये कर लिया करो, श्वास दमा की कोई बीमारी नहीं, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। जिनमें ज्यादा आहंगा हो तो जोर से कर लेना, हाँ, जिनमें ब्लड प्रेशर शुगर हार्ट की बीमारी कमजोरी हो तो धीरे धीरे करना, और ज्यादा ताकत हो तो जोर से कर लेना ऐसे। फेफड़ा की, श्वास की, दमा की, खांसी की कोई बीमारी नहीं रह सकती, फेफड़ा एकदम मजबूत हो जाएगा। एक दूसरी बीमारी पेट की, गैस की, कब्ज की, पथरी की, शुगर की, बहुत बीमारी है। फिर ये गोड्डे दुखते हैं, कार्टिलेज घिस गए, बोले हड्डी घिसने लगी, ग्रीस कम हो गया, कपाल भाती करो, ग्रीस भी पूरा हो जाएगा, खून की कमी नहीं रहेगी, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, आयरन की कमी नहीं होगी, विटामिन डी, विटामिन B12 और तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं, वो शरीर में नहीं होते, इसीलिए तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, इसीलिए जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दुखती हैं, इसीलिए शरीर ढीला पड़ जाता है। ऐसे 100 साल तक तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, योग करोगे 100 साल तक जवान रहोगे, बुढ़ा रहेगा यदि कोई। और जो बड़े बुजुर्ग भी, देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो बड़े बुजुर्ग भी कर लेंगे, उनके भी शरीर में दोबारा शक्ति आ जाएगी। हाँ, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर, बहुत बहुत महिमा है इसकी, हमने करवाया करोड़ों लोगों को, इस पर रिसर्च किया। देखो ये, इसका नाम है कपाल भाती, क्या नाम है बोलो, बहुत जबरदस्त है, कर लो बच्चों, सारी उम्र का था तभी करना शुरू किया था मैंने, आज सारी दुनिया जाना है, तुम भी करोगे तुमने भी सारी दुनिया जानेगी। योग करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, शरीर का बल, बुद्धि का बल, मनोबल, आत्मबल, ये सब बल बढ़ जाएंगे और तुम बलवान बन जाओगे। ये तो है धीमे धीमे, जिसमें घनी ताकत हो तो जोर से कर लो।
लेकिन इसमें सिर मत ही लाना, यूं नहीं करना, कंधे नहीं लाना। शरीर में ताकत आएगी, शरीर सुंदर भी बनेगा। शरीर कैसा होना चाहिए? माथा चमकता हुआ होना चाहिए, भुजाएं मजबूत होनी चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, पेट सिकुड़ा हुआ होना चाहिए, कमर एकदम कसी भी होनी चाहिए, पूरा शरीर सदा हुआ होना चाहिए। आपका शरीर बल भी प्रबल होना चाहिए, मनोबल भी। 20 साल पहले गुरुकुल में तो हम कुश्ती करते थे, इस बार हमने पतंजलि में इंटरनेशनल सब प्लेयर बुला रखे थे कुश्ती के, कबड्डी के। बोले बाबा कर दे, मैंने कहा कर दे ले। तो फिर जो सारे चैनल वाले बोलो ये मारा बाबा ने, वो मारा बाबा ने। बोलो बाबा तो कुश्ती भी जाना। मैंने कहा भाई योग करने वाला दुनिया में सब काम कर सकता है, जितने भी अच्छे काम, ताकत होती है योग। अभी भी मेरे से आधी उम्र वाले मेरे से दौड़ में आगे नहीं जा सकते, और भाई कोई बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता हो तो अलग बात है, नहीं कुश्ती में नहीं जीत सकते, चाहिए यहीं कर लो। भाई देखो योग में ताकत होती है, करके देखो। हाँ, और घी दूध खाओ, ये कोका कोला पेप्सी मत पीना, इधर भी आओ कोका कोला पीने लग गए मेरे बेटा, राबड़ी पियो, नींबू का पानी पियो, बेल का शरबत पियो, दूध पियो, छाछ पियो, अरे और कुछ नहीं तो ठंडा पानी पी लो, जहर क्यों पी रहे हो, ये भी बंद करो सर। कोका कोला पेप्सी, और ये मेरे बेटे टीवी पे ऐड दे, आओ कुछ तूफानी करते हैं। आदमी सोचा पता नहीं, वो कोका कोला पेप्सी थम सब की बोतल में तो तूफान निकलेगा ना, तूफान तेरे भीतर है बावड़े, तो अपने भीतर वाले तूफान को जगा, जो शक्ति तेरे भीतर, ज्ञान और भगवान तेरे आत्मा सो परमात्मा तेरे भीतर है, उसको जगा। ये कपाल भाती ये करो, फिर ये इसका अगला है, करोगा कुन्नो, बहुत सरल है। देखो इसमें तो ये तो मैंने सरल वाला बताया, इससे अगला और भी है। श्वास को बाहर छोड़ के आजकल एक फैशन आ गया ना, सिक्स पैक एट पैक है, तो पापा सिंगल पैक है, सिक्स पैक तो है, ये तो ये रहे तो ये रहे तो ये रहे, सिक्स पैक तो है, ये दिख रहे बिना ही कुछ किए, और सिंगल पैक और पैक लेस, ये पैकलेस है, देखो ये पैकलेस हो गया। और बीच में निकालो तो सिंगल पैक और गोल घुमा दो तो नोली क्रिया, देखो ऐसे। कठिन वाला भी योग करना चाहिए, जब वो जवान बच्चे हैं ना उनको ऐसे करना चाहिए। ये शीर्षासन करेंगे तो दिमाग तेज होगा, फिर ऐसे एक पैर में दूसरा पैर फंसा लिया, ये ऐसे देखो। बच्चों को तो शुरू में दीवार के साथ करना चाहिए, है ना, बाद में बिना ही दीवार के हो जाएगा। बच्चों को सबको करना चाहिए, दिमाग बहुत तेज होगा। देखो दुनिया में वो लोग बड़े नहीं जो बड़े घरों में पैदा हुए। आज बड़े लोग मैं 5-7 का बताता हूँ, ये मुकेश और अनिल भाई, ये बहुत आज कहते हैं दुनिया के भाई सबसे धनवान लोगों में से ये भी है। इनके बापू के पास 500 रुपए भी नहीं थे, दिमाग का ऐसा रखे। कितने लोगों को मैं जानता हूं, मोदी का बापू चाय बेचा करता था, ये झूठे कब धोया करता था भाई,
दिमाग तेज है मेहनत की, प्रधानमंत्री बन गया। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमने भी दे दिया। तो भाई चलो, सबने बना दिया, लेकिन उस आदमी ने भी तो मेहनत तो की। तो मैं बात ही कह रहा हूँ, तुम कुछ भी बन सकते हो दुनिया में। ये मत मानो कि तुम किस इलाके में पैदा हुए हो, सूखा इलाका है कि धूल उड़ है, कि पानी कम है, कि मीठा है, कि खारा है। तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारे कदमों के पीछे पूरी दुनिया चल सकती है। तुम हौसला करके आगे बढ़ो, अपना दिमाग तेज रखो, शरीर अच्छा रखो, अपना हौसला ऊंचा रखो। तो ये बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए, ये सर्वांगासन करना चाहिए। ये बच्चों के करने योग्य है। फिर ये पांच आसन बच्चों के लिए बता दिए। आगे झुके तो माथा घुटनों से लगा दिया, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, पांच आसन जो बच्चे कर लेंगे जिंदगी में कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये बच्चों के लिए बता दिया है। बच्चे को सब माँ बाप अपने बच्चों को योग सिखावे, आजकल डांस सिखावे सारे। सर महाराज जी बोल रहे थे डिस्को, पता नहीं के के बाजा घरों में डीजी। भाई योग कराओ अपने बच्चों को, बच्चों के बाल अच्छे रहेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। आजकल तो यहां भी बहुतों की खेती उजड़ी पड़ी है। ये बाल भी अच्छे रहेंगे सिर के ऊपर, हाँ आंखें अच्छी रहेंगी, चेहरे पर तेज रहेगा, दांत बढ़िया रहेंगे, पारिया नहीं होगा, दांत खराब नहीं होंगे। ये इतनी इतनी यो फिर तो है। अब किसी को ज्यादा करना हो अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए जो जवान है वो सूर्य नमस्कार कर सकता, अभी तो 21 जून को पूरे देश को करना है। हमने संकल्प किया है कि 21 जून को कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा भारत के लोगों को घरों से बाहर निकाल करके योग कराएंगे, जिससे पूरी दुनिया देखे भारत के योग और अध्यात्म की ताकत क्या। पूरी दुनिया में आज पैसा बहुत होगा, लेकिन योग और अध्यात्म तो ज्ञान तो भारत के पास ही है, जगत गुरु विश्व गुरु तो आज ही भारत है। तो देखो जो जवान बच्चे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ये सूर्य नमस्कार 1 मिनट में 5 से 7 बार हो जाता है। कोई 5 मिनट भी ये कर लेना तो जिंदगी भर तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, कोई बीमार होने का तो मतलब नहीं, बुढ़ा भी नहीं होगा, 100 साल तक जवान रहोगे। सृष्टि की आयु 400 साल है, शरीर की आयु 400 वर्ष है। ये तो मेहनत पूरी करते नहीं, खान पान ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, सारा जहर घुल गया, खेतों में भी यूरिया DAP, हवा में भी जहर घुला हुआ है, एयर वाटर सोयल फ्रूट्स ग्रेन्स एवरीथिंग इज पॉलिटी, सब जगह एडल्टेशन, उससे गड़बड़ हो रही है। नहीं तो शरीर तंदुरुस्ती का क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं। देखो ये पहला, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये दसवां, ये ग्यारहवां और ये बारहवां। जवान ऐसे कर लेगा उसमें कमजोरी रहेगी, फुर्ती रहेगी। यह सूर्य नमस्कार क्या बताया था अभी ये? और जवानों में तो संतुलन इतना होना चाहिए कि सीधे सीधे चलते चलते उल्टे भी चल सके। ऐसे रखो, पहले भूड़ में करके देखना, नहीं तो या तो सिर टूटेगा या कंधा टूटेगा। सुनो बात कर रहा है, योग करो। आस्था चैनल आता है ना, देखा करो सुबह उठ के, उल्टे सीधे सीरियल बहुत देखते हो। टीवी ने ही देश को बिगाड़ा है और टीवी से ही देश सुधरेगा। गलत सीरियल, गलत पिक्चर। योग के कार्यक्रम देखो, अध्यात्म के कार्यक्रम देखो, सत्संग देखो, बढ़िया बढ़िया चीज देखो। सुबह ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर गले थायराइड के लिए उज्जाई रोक करके, फिर दायें आंख को बंद करके बाहर छोड़ना, फिर दिमाग के लिए बहुत तेज दिमाग रखने के लिए, फिर पैरालिसिस, सिर में दर्द, आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, SLMS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर तक हमने अच्छे किए। आप में से भी यहाँ भी गाँव गाँव के भी घने लोग करते हैं, कितने आप में से भाई बहन जो योग कभी कभी या रोज करते हैं? हाँ उठाइयो जरा। ओ
घने इसमें तो भाई। चलो भाई गांव में भी योग करने लग गए, अब तो भाई देश योगी बन ही जाएगा। ये बहुत जरूरी है, देखो इससे ध्यान भी लग जाता है। देखो ऐसे बाईं से लिया दाईं से छोड़ दिया, दाईं से लिया बाईं से छोड़ दिया, ऐसे सरल सा है। 5 मिनट कर लिया एकदम ध्यान लग जाता है। फिर ये भ्रामरी कर लिया, आज चक्र में ध्यान करके करते हैं ऐसे, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसा प्रकाश अंदर से पैदा होता है और तन मन आत्मा सब प्रकाशित हो जाता है। फिर ओम, सीधे बैठो एक बार, ओम बोलो, सीधे बैठो ऐसे श्वास भर के ओम बोलो। ऐसे ओम का ध्यान करने से मन एकदम शांत हो जाता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें बताई योग के बारे में, दो चार बातें और बताते हैं। फिर देखो सुबह जल्दी उठा करो, छोटा सा काम, उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोया करो। ये एक छोटा सा उपाय है, इसी से आपकी 100 साल तक आंख ठीक रहती है। मुंह में पानी भर लो ठंडे पानी से आंख, और सुबह उठ के पानी पी लो, 100 साल तक पेट ठीक रहेगा, आंख ठीक रहेंगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। आंख खोल के धोएंगे तो अच्छी रहेंगी, वो फिर अपने आप ही बंद हो जाती है थोड़ी बहुत तो ना, ना जो है ठंडे पानी से, ठंडा मतलब नॉर्मल घड़े का पानी, फ्रीज के पानी से नहीं धोना, ठीक है? तो ठंडे पानी से आंखों को धो, गर्म पानी से, वार्म वाटर से आंखें नहीं धोनी चाहिए, है ना। फिर पानी पियो, दिन में 3 से 5 लीटर, ज्यादा गर्मी है तो 5 लीटर, नहीं तो 3 लीटर पानी लिक्विड जाना चाहिए शरीर में। करीब 80% शरीर में पानी होता है, उसकी डेफिशिएंसी से बहुत तरह के रोग होते हैं, और पानी शुद्ध होना चाहिए, बस एक बात। दूसरी बात, नाश्ता हल्का करना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, जो भी खाना खाओ। हम जल्दी जल्दी खाते, मैंने देखा 99% लोग, 99% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, नहीं इतना खाना चाहिए खाने को कि वो खाते खाते लिक्विड हो जाए, पानी जैसा हो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ी छाछ आदि ले सकते हो खाने के साथ। रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए, पहले नहीं खाते पीते थे, आजकल उल्टा पुल्टा हो गया सर। पहले दोपहर के बाद छाछ किसको पिला देते थे? पशुओं को, डांगरों को पिला देते। आजकल रात ने छाछ पियो, रात ने दही खाओ, इसलिए बीमारी हो, इसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, उससे शरीर में बहुत तरह की बीमारी होती है, छोटी छोटी बातें। और भोजन के समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, और भोजन के बारे में, भोजन भगवान का रूप है, अन्न ब्रह्म है, वो अन्न ब्रह्म बनके हमें शक्ति देता है, जीवन देता है। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए और गुस्सा करके भोजन नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बात। झूठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। मेरी तरह चरा करो, खाए ना खाए बराबर से बिखर, ताकत पूरी रहे, ऐसे रहना चाहिए हल्का। कुछ लोग तो अनाज के दुश्मन है, मतलब सुबह ही थाली भर के रगड़ना शुरू कर, शाम ताए अनाज के पीछे लगे रहे। इतना इतना बैर मत किया करो अनाज से, थोड़ा थोड़ा खाया करो। अगली बात देखो, कुछ इलाज बताता हूं घरेलू। जैसे जोड़ों में दर्द है गणों के, तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खा लो, और ये प्राणायाम कर लो, जोड़ों में दर्द नहीं रह सकता। एक ग्वार पट्ठा आता है जिसमें मोटे मोटे पत्ते होते हैं, उसका गुद्दा निकाल के खा लो, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, माताओं बहनों में महावारी की दिक्कतें, पुरुषों में धातु रोग, कमजोरी शरीर की,
ग्वार पट्ठा के जूस से दूर हो जाती हैं। ग्वार पट्ठा को रस, पहले उसके लड्डू भी बनाते थे, कुछ दूध में भी पका पका के बनाते। ग्वार पट्ठा बहुत जबरदस्त। अब तो हमारे यहाँ से तो हर दिन 10 से 20 टन माने 1 से 2 ट्रक हम रोज जूस निकालते हैं ग्वार पट्ठा का, और तब भी कम पड़ता है। इसको अंग्रेजी में एलोवेरा का जूस बोलते हैं। फिर एलोवेरा का जेल, उसका जो अंदर का गुद्दा, उसको चेहरे पर लगाने से कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। पहले कोई क्रीम पाउडर थोड़ी लगाती थी माताएं, पहले मेहनत करती थी, वही रौनक रहती थी शरीर के ऊपर। और आजकल वाली गांव में भी फेर है, लवली लान लग गई, बताओ फिर भाई। ग्वार पाठा को जूस पियो और ग्वार पाठा का जेल लगा लो, 100 साल तक ये स्किन सेल आपके बहुत अच्छे रहेंगे, सुंदरता 100 साल तक शरीर के रहेंगे, और खुश रहो, खुश रहो।